गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर 12 सुदामा चरित्र करेंगे। सुदामा चरित्र, ये सुदामा चरित्र में भक्तिकालीन कवि नरोत्तम दास ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा जो थे बाल सखा थे, वे बचपन के मित्र थे। कृष्ण और सुदामा दोनों ने ही गुरु संदीपन के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की थी। इस नाते दोनों ही गुरु भाई थे। आगे चलकर श्री कृष्ण जो है द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब हो गई। शीश पगा ने जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाव उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल एक, रहियो चक्ष्यो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश होता है सिर, पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब कपड़ा, तन होता है शरीर, जाने को मतलब न जाने कौन, आई मतलब आया है, बसे मतलब बसने वाला, के ही मतलब इस, ग्रामा मतलब गांव से, लटो मतलब लटक रही है या फटी हुई है, दुर्बल मतलब कमजोर, वसुदा मतलब धरती, बतावत मतलब बताता है। इसमें क्या कहा गया है, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। इसमें कि अपनी पत्नी के द्वारा जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं, कि बाहर दरवाजे पर भी उनको रोक दिया जाता है, और समय श्री कृष्ण को उनका परिचय देने महल के अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र है, न जाने वो किस गांव का रहने वाला है, उसकी धोती भी फटी हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह हैरान होकर द्वारका के महल और धरती की सुंदरता को देख रहा है। वह आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बिहाल बिहामन सो, पग कटक जाल लगे पुनजोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके कलुना निधि रोए, पानी प्रात को हाथ चियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें क्या है, बिहाल मतलब बुरा हाल, बिहाइन मतलब फटी हुई एड़ियां, पग मतलब पैर, कटक मतलब कांटे, जाल मतलब बहुत सारे। इसमें क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं, श्री कृष्ण ने जब उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए और सुदामा की फटी हुई एड़ियों, उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को देखकर वो बहुत ही व्याकुल हो गए। वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुम इतने कष्ट सहते रहे, तो इतने दिनों तक कहाँ रहे और यहाँ पर आए क्यों नहीं। सुदामा की ऐसी गरीबी दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर उठे और उन्होंने प्रात के पानी को छुए बगैर अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम कहे न देत, चापी पोटरी काख में रहियो, कहो कही रहेत, आगे चना गुर मात दे, तवे तुम चाबी हमें नहीं दिए, श्याम कहियो मुस्काए, सुदामा सो चोरी की बान में तू ही परवीने, पोटरी काख में चापी सो तुम खोलत नहीं सुदारस बीने, पाछली बाणी अचो ने तजो तुम देसी भाभी के तदुल दीने। दियो मतलब होता है देना, पोटरी मतलब पोटली, कोख मतलब बगल में, हेतु मतलब कारण, प्रवीण मतलब तुम कुशल हो, बान मतलब तुम्हारी आदत। इसमें क्या कहा गया है कि सुदामा को उसकी पत्नी ने कृष्ण की भेंट देने के लिए पड़ोस से मांगकर कुछ चावल दिए थे। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी बगल में छिपाकर रख लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार तो दिया होगा, तुम मुझे क्यों नहीं देती हो, किस कारण से तुम उस पोटली को बगल में छिपा रही हो। बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, जिससे तुम अकेले ही खा गए थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, चोरी करने की तुम ये बचपन से ही तुम्हारी आदत है, ये छूटेगी नहीं।
भीगे हुए चावलों की पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। पिछली आतों की चोरी करने की आदत को तुमने आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे देना नहीं चाहते हो। कुलतीनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठीन गोपाल की कछु न जाने जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के कास, कहाँ भयो सो अब भयो हरे को राज समान। वो आवत नहीं उते हई पटियो टेली, अब कही समझाए के बहु खने संकीर। इसमें सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण के इस बर्ताव से सुदामा बहुत दुखी हुए। वे रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि कृष्ण के पास इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया। जितने दिन वहां रहे खूब आप सेवा की, परंतु विदाई के समय कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उनकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वे सोचते कि कृष्ण को तो मेरी जाति का भी ध्यान नहीं रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाते। सुदामा सवयन से कहते हैं कि क्या हुआ, अब द्वारिका के राजा बन गए। वही कृष्ण थोड़ी सूढ़ी दही के लिए तो हाथ फैलाए फिरता था, आज संपत्ति का मालिक बन गया तो क्या हुआ। जो कभी खुद मांग कर खाया करता था वो अब किसी को क्या देगा। साथ ही वे सवयन पर द्वारिका आने पर क्रोधित होते हैं और पत्नी के विषय में भी क्रोधित हुए। कहते हैं कि कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए उसकी पत्नी ने भेज दिया। अब घर पहुंचकर क्या कहूंगा कि कृष्ण ने इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है कि उसे संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर न हो जाए। वेसो राज समाज बने गजबाजी घने मन सब्रय छायो, कथो पर्यो कहु मारग धुली की फेरी में अब द्वारिका आयो। भोन विलोकन को मन लोचत सोवत हो सब गांव पछायो, पूछे पांडे फिर सब हो झोपड़ी को कहु खोजने आयो। इसमें क्या कहते हैं कि द्वारिका के खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। उनका गांव द्वारिका के जैसा राजमहल बन जाता है। बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारिका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं वे वापस हट कर वापस द्वारिका तो नहीं पहुँच गए। वे सोचते हुए पूरे गाँव में अपनी झोंपड़ी को ढूंढते रहते हैं और उन्हें कहीं भी झोंपड़ी नहीं मिलती। वे पूरे गांव में अपने नाम से झोंपड़ी है घूम रहे हैं लेकिन उन्हें खोज नहीं पाते। कह वह टूटी सी छाती हती कहूं कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पने नहु तू कहले गजराज ढाटे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहां कोमल सेज ते नींद न आवत, के जुर तो नंद को दो स्वावा प्रभु के प्रताप ताक ने आवत। इसमें क्या है, किसी के द्वार झोंपड़ी के पता बताए जाने पर सुदामा वहां पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि वहां टूटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी, अब सोने के महल है। सुदामा के पास तो पहले पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब उनके दरवाजे पर हाथी घोड़े खड़े हैं। पहले तो सुदामा को कठोर रातें जमीन पर सोते हुए बीतती थी, अब उन्हें कोमल गद्दों पर भी नींद नहीं आती। एक समय जब सुदामा पेट भरने के लिए मुश्किल से अनाज जुटा नहीं पाते थे, अब ईश्वर श्री कृष्ण ने उन पर अंगूर के फल भी अच्छे नहीं लगते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया और सुदामा की सहायता की और उन्हें जताया भी नहीं। थैंक यू।